जब मैं ठीक हुआ अपनी बीमारियों से निकला, उसी दिन मैंने डिसाइड कर लिया था भाई कि अब दीवारें नहीं रोक पाएंगी। जब वो लोग दुनिया में नहीं है उनके बारे में बात क्या करें। चार रील्स डाल के या दो फोटोज शेयर करके और किसी के कहने से कि भाई मॉडल बन जा, आप मॉडल बन नहीं सकते हो। लोगों को उनके पिछले जन्मों में ले जाके जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं उनके रूट कॉज को ढूंढने में मैं मदद करता था बिफोर बिकमिंग अ मॉडल। And he gave me a look ऊपर से नीचे तक and उसके चेहरे का expression एकदम soft हो गया, जैसे होता है ना love at first sight. And he called me, he said, इधर आइए सर, तो माशाल्लाह कितने खूबसूरत हो आप। नमस्कार, कैसी है मेरी जनता। तो आज इस podcast में जो guest है उन्होंने ये जरूर प्रूफ कर दिया कि age is just a number। जी हाँ, 57 की उम्र में अपना मॉडलिंग करियर शुरू किया और आज जाने माने मॉडल कहलाते हैं। आपने इनको रैंप वॉक करते देखा होगा, आपने इनको रजनीकांत की मूवी दरबार में देखा होगा, आपने इनको कई साउथ फिल्म में देखा होगा, आपने इनको भारत की जो सलमान खान की मूवी है उनमें भी देखा होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दिनेश मोहन की। इनकी उम्र 65 है लेकिन ये अच्छे खासे आज के मॉडल को भी मात दिला देते हैं। इस पॉडकास्ट को शेड्यूल कराने के लिए, इस पॉडकास्ट को संपन्न कराने के लिए पूरा शुरू से लेकर एंड तक मैं गौरव गुप्ता का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हाँ, इस पॉडकास्ट में मैं होस्ट भी हूँ और मैं पीछे कैमरामैन भी हूँ। तो चलिए इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं और कुछ अलग सुनते हैं। गौरव, आज आपका शो है, इसके साथ आज आपके शो है। आपको आज और दिनेश मोहन जी अपने साथ है, तो आज आपको कैसा लग रहा है? मैं इतना एनर्जेटिक महसूस कर रहा हूँ ना, क्योंकि दिनेश जी की वाइब और जो एनर्जी है। मेरी वाइफ सी अगेन, यू कैन सी उनकी वाइब्स क्या है। उनके साथ बैठना इज लाइक कि जो चल रहा है ना अभी माहौल, उस माहौल से हम निकलना चाहते ही नहीं है। और शूट की तो टेंशन खत्म ही हो गई है बिल्कुल, सारा बस लग रहा है कि अपने आप ही संभाल लेंगे, मेरे को तो जरूरत ही नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है गौरव। फर्स्ट टाइम जब मैंने तुम्हें देखा था गुड़गांव में, जब आप मेरे से बात करने आए थे, उसी टाइम मेरे दिमाग में आया था कि बहुत डिफरेंट है और बड़े अच्छे इंसान लग रहे हैं। तो वहाँ से अपना कनेक्शन बना, फिर आपने मुझे शो स्टॉप करने के लिए बोला। आई वॉज मोर देन हैप्पी एंड ऑनर्ड, मतलब ऑनर्ड हूँ मैं कि मैं ऐसे लेवल के लिए अर्ध नारी और गौरव जी के लिए मैं शो स्टॉप करने के लिए आया हूँ। सुपर प्राउड, सुपर प्राउड। आपके दिमाग में सबसे पहले क्या हिट हुआ होगा जब आप अर्ध नारी सुन के, इनकी डिजाइनिंग का मतलब नाम सुन के आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आया? मेरे दिमाग में, अगर मैं एक्चुअली बताऊं, आई ऑलवेज वांटेड कि मैं साड़ी डाल के जो है शो स्टॉप करूं। हालांकि आई एम अ परफेक्टली स्ट्रेट मैन, बट मुझे लगता था कि यार दिस विल बी द बिगेस्ट ट्रिब्यूट अ मैन कैन पे टू अ वुमन, कि आप उनके कपड़े डाल के आप उसको रैंप के ऊपर शोकेस करो। तो मन तो मेरा वो था, बट वो शायद ये कर नहीं रहे। आपने ऐसा क्यों किया गौरव जी? within 10 minutes I'm okay, okay. मतलब तहलका मच जाएगा अगर ये हो गया। हाँ, आपने उससे पहले कभी किया ये सब? मैंने हील डाल के एक बार विमेन डे पे दिल्ली में सिलेक्ट सिटी में एक शो हुआ था। अच्छा। तो उसमें मैंने हील डाल के, और वो थीम ही ये था कि आदमी सब हील डाले, हील डाल के। तब मैं नया था, बहुत शो स्टॉप नहीं करता। तो आप तो हील पे गिरे नहीं ना? बिल्कुल भी नहीं। आपको मतलब हील वॉक आती है पूरी? ये डिफिकल्ट होती है या फिर? नो, इट इज नॉट टफ। इसको बस बनाया गया है। आपकी सेंस ऑफ बैलेंस होनी चाहिए बस। और आप में तो बहुत अच्छे से है। हाँ, मतलब मेंटली इंबैलेंस्ड हूं, वैसे बैलेंस। नहीं सर, आप बहुत बहुत ज्यादा बैलेंस है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मैं तो इतने बैलेंस है कि सामने वाला अनबैलेंस मुझे बात करके गौरव हो गए लगते हैं। कोई नहीं गौरव, पहला पहला प्यार है। सर, अपने पॉडकास्ट में मेरा पहला सवाल हर लोगों से ही होता है कि हु एम आई। तो लोगों के लिए बोलते हैं यार ऐसा है, यार ऐसा है, लेकिन अपने लिए कभी कोई नहीं होता था। तो आप दिनेश मोहन जी थोड़ा सा ही बताओ कि हु एम आई, हु इज दिनेश मोहन जी, केवल दिनेश मोहन जी के शब्दों में। यार ये बहुत ही ना डिफिकल्ट है, मतलब मैं ये करते करते मुझे 65 साल हो गए, अब तक मैं अपने खुद के ही पल्ले नहीं पड़ा कि मैं हूँ कौन, और मैं जानना भी नहीं चाहता। आई चेंज एवरी डे, आई चेंज एवरी मिनट, आई लाइक टू लिव ऑल द कलर्स ऑफ लाइफ,
एंड आई लाइक टू बी बियॉन्ड डेफिनेशंस टोटली, जिसे कोई डिफाइन कर ही ना सके. लोग ये बाद में कहते रहे बहती हवा सा था. अरे सर बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात. ये इस फील्ड में रहने के बाद आया या फिर ये स्टार्टिंग से? पहले से ही था. जब मैं ठीक हुआ अपनी बीमारियों से निकला, उसी दिन मैंने डिसाइड कर लिया था भाई कि अब दीवारें नहीं रोक पाएंगी. मैंने बिग बॉस की ऑफर को मना किया ऑलरेडी, सिर्फ इसलिए कि मुझे दीवारें नहीं रोक पाएंगी. बिल्कुल सर, आपके लिए एक बार दीवारें मेंशन कर दोगे प्लीज? क्या होती है दीवारें, मतलब आपके लिए दीवारें नहीं रोक पाएंगी? मेरे लिए दीवारें जो है ना वो मेंटल जो कंडीशंस होती है ना कि आप ये कर सकते हो ये नहीं कर सकते, वो मेरे लिए बहुत बड़ी दीवारें हैं. मैं कुछ भी बोलूं, कुछ भी करूं, कुछ भी खाऊं पीऊं, जैसा भी डालूं, सो आई नीड माय ओन एनवायरनमेंट. आपको सर चिलिन वाइब पसंद है या फिर आपको ऐसा पसंद है कि मैं बस काम करता रहूं? आपकी वाइब, आप एक बार मतलब ऐसा कि मेरी वाइब में ये तो हमेशा रहेगा, मैं इस चीज को कभी कम नहीं कर सकता. आपकी वाइब वेरी पैशनेट अबाउट माय वर्क. पैशन और एक्टिंग के लिए मैं बहुत सुपर पैशनेट हूं एंड आई वांट कि यही मेरा वाइब रहे और यही वाइब करते करते ही मैं दुनिया से जाऊं. आई जस्ट डोंट वांट टू बी फ्री ऑफ वर्क. सर आपका पहला एक्सपीरियंस कैसा रहा था एक्टिंग में जब आपने? अच्छा, शुक्र है. आपका सर पहला एक्टिंग का आपने बताया कि मुझे पैशनेट हूं अबाउट माय वर्क, तो आपका पहला एक्टिंग का सर कैसा रहा था वो मूवी, वो साउथ मूवी आपकी कैसी रही थी? नहीं साउथ का नहीं, माय फर्स्ट एक्टिंग एक्सपीरियंस, बात साउथ वाली पहले हुई थी, डिसाइड वो हुई थी, बट शूटिंग पहले सलमान खान जी की भारत मूवी की स्टार्ट हो गई. ओके. हां, बिकॉज उसमें साउथ में रजनीकांत जी थे तो बहुत बड़ा सेटअप था और रजनीकांत जी की डेट्स लेना साउथ में जो है ना वो मतलब चार अमिताभ बच्चन लगते हैं तो एक रजनीकांत जी बनते हैं. आपने जब काम किया आपको कुछ अलग महसूस हुआ उनके साथ रहने के? सलमान खान के साथ यस, बहुत अलग महसूस हुआ. और किस्सा मैंने बहुत बार बोला भी है, मैं सुबह सुबह मेरे को सेट पे बुलाया गया, लुधियाना के पास एक गांव में सेट बनाया गया था बाघा बॉर्डर का, और कोई मुझे जानता नहीं था, मैं किसी को जानता नहीं था, मुझे पता नहीं था एक्टिंग क्या होती है, एडी क्या होते हैं, डायरेक्टर कौन है, इसका स्टार कास्ट पूरी कौन है. मुझे पता था सलमान खान है बस, उसमें कैटरीना है, सुनील ग्रोवर है, तब्बू जी हैं, ये सब मुझे बिल्कुल आइडिया ही नहीं था. तो मैं सेट पे पहुंच गया, एडी ने ले जाके मुझे पाँच छः लोग बैठे हुए थे उनके बीच में बिठा दिया. दो मिनट बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ये ना क्राउड वाले लोग लग रहे हैं. Okay. जिनको क्राउड में बिठा देते हैं ना, तो मुझे लगा कि यार ये गलती हुई है बिकॉज मेरा उसमें कैरेक्टर था. तो मैंने एडी को बुला के कहा कि भाई आई एम नॉट कंफर्टेबल, मतलब ये लग नहीं रहा कि आप शायद मुझे पहचाने नहीं हो. तो ही सेड कि मैं दूसरे एडी को लाता हूँ जिसको सारी कास्ट का पता है, आप दो मिनट बैठो. दूसरा एडी आया, उसने सॉरी बोला और वो ले जाके मुझे एक जगह पे बिठा दिया. वहाँ पे जो है अरेबियन म्यूजिक चल रहा था उस टेंट में, ड्राई फ्रूट पड़ा हुआ था, अगरबत्तियाँ जल रही थी और एक जन जो है एक इंसान उसमें पहले से बैठे हुए थे. दो मिनट बाद उन्होंने पूछा कि सर आप भाई से मिलने आए हो? तो मैंने कहा भाई कौन? कहता एक ही भाई है सर इंडस्ट्री में, सलमान जी. मैंने कहा नहीं मैं तो एक्टिंग कर रहा हूँ इसमें. तो कहता तो आपको यहाँ किसने बिठा दिया लाके? मैंने कहा आपके सामने मुझे वो एडी लाके यहाँ पे बिठा के गया. मैंने कहा आप कौन हो जो इतना पूछ रहे हो? ही सेड मैं प्रोड्यूसर हूँ मूवी का, विवेक अग्निहोत्री जो उनके. समझ गया मैं. जी जी. तो ही सेड के सॉरी सर देयर इज सम मिस्टेक, आई विल सी के आपकी वैनिटी कौन सी है. तो मेरी वैनिटी में मुझे भेज दिया गया. आधे घंटे बाद नॉक हुआ कि सर ब्रेकफास्ट इज रेडी आ जाओ. मैं निकला तो उसी टेंट के बाहर सलमान सल्लू भाई वाज स्टैंडिंग एंड आई सेड हाय बिकॉज नेचुरली सच बिग स्टार एंड ही गेव मी अ लुक ऊपर से नीचे तक एंड उसके चेहरे का एक्सप्रेशन एकदम सॉफ्ट हो गया जैसे होता है ना लव एट फर्स्ट साइट एंड ही कॉल्ड मी सेड इधर आइए सर. तो माशाल्लाह कितने खूबसूरत हो आप. दिस वाज हिज फर्स्ट डायलॉग. उसके बाद तो फिर शूट ऐसे गया मक्खन मलाई की. शूट के दौरान मतलब जो लोग जैसे सलमान खान के बारे में आप बात बता रहे हो, सलमान खान शूट पे वैसे ही जैसे बहुत डाउन टू अर्थ, बहुत चिल्ड आउट. वो प्रेस में इमेज कुछ और होता है, वो बना के भी रखना पड़ता है नहीं तो सब लोग सिर पे चढ़ जाते हैं. बट विद द कास्ट एंड जो भी वहाँ प्रेजेंट थे, ही वाज सुपर सॉफ्ट विद एवरीबॉडी. हर किसी का पर्सनल बिकॉज़ इट वाज हिज प्रोडक्शन. हां, सलमान वाज टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग. ऑफ कोर्स ही कॉल्ड मी फॉर लंच एंड मेरे को कैटरीना और बाकी सब कास्ट से मिलवाया, उन्होंने अपने साथ बिठा के खाना खिलाया. उनका ऑरा कैसा होता है सर? मतलब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. ही इज अ सुपर ह्यूमन बीइंग. सुपर
अगर मैं ऐसे बोलूं कि एक्टिंग और मॉडलिंग को अगर डिफाइन करो तो क्या बहुत ज्यादा डाइवर्स है या फिर बहुत ज्यादा मतलब क्लोज क्लोज ही ऐसा बोलूं? नहीं, बहुत डाइवर्स है, बिकॉज मॉडलिंग इज मोर लुक्स बेस्ड, है ना? यू आर जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ योर लुक्स, योर स्टाइल, योर हाइट एंड द वे यू वॉक एंड एवरीथिंग. एक्टिंग इज टैलेंट बेस्ड. ऑफ कोर्स इट इज, मतलब लुक्स मैटर करते हैं. अगर आपके करेक्टर ब्रीफ के हिसाब से अगर आपके लुक्स हो जाए तो वो पहले लुक्स देख के फिर आपको बुला के फिर आपका टैलेंट जज करते हैं. तो इट्स अ प्रोसेस, लुक्स एंड देन टैलेंट. सर आपने मतलब ये जितनी भी जर्नी जब शुरू करी, आपने पहला अपना जो इंडस्ट्री में मतलब फर्स्ट स्टेप क्या था सर आपका पहला? फर्स्ट स्टेप मेरे फिजियोथेरेपिस्ट ने बोला कि सर आप बहुत डिफरेंट लगने लग गए हो पिछले 6 महीने में. तो कि मेरे फादर जो है ना वो एक मॉडलिंग एजेंसी से एसोसिएटेड है दिल्ली में. ओके. तो आप अपनी फोटो खिंचवाओगे और मैं भेज दूँ उनको? तो आई सेड पागल है क्या तू? मतलब कहाँ मॉडलिंग. मैं ऑलरेडी 57 ईयर्स का था ऑलमोस्ट, एंड मुझे पता ही नहीं था इस एज पे मॉडलिंग भी होती है या हो सकती है. So I said no, but उसने फोटो किसी तरह से खींच के ही sent it across to his father. तो मुझे उस एजेंसी से कॉल आने लग गया कि सर आप ऑडिशन के लिए आइए, एक बहुत इम्पोर्टेंट शूट है जिसमें हम आपको एक कैरेक्टर देना चाहते हैं. तो बाद में फिर वो शूट हुआ, मतलब ऑलमोस्ट 4-1 महीने लग गए उसमें सारे प्रोसेस में. तो मेरे बाल लंबे लंबे थे तब. हाँ. और मैं ब्लैक कलर करता था बालों को और दाढ़ी मूछ नहीं थी. तो मुझे एक फॉरेन का उन्होंने दिखाया कि एक मॉडलिंग एजेंसी है जिसका ये ओनर है और एक शूट चल रहा है वहाँ पे, और एक रशियन गर्ल जो है उसको मॉडल बनाया हुआ था, वो 7'10" लंबी थी. तो मैंने इतनी लंबी लड़कियाँ ऐसे लोग कभी देखे ही नहीं थे जीवन में. तो मुझे लगा यार यहाँ तो मेरी बहुत बेइज्जती होगी, मैं कहाँ पे आ गया. बट एवरीबडी थॉट के कोई सुपर मॉडल है मेरे एंटर करते ही, बिकॉज मेरे में ना एक जीवन ने कॉन्फिडेंस डाल दिया था. मैं डरता नहीं हूँ आसानी से, घबराता नहीं हूँ किसी के भी आगे. तो उस कॉन्फिडेंस की वजह से उन सबको लगा कि भाई ये तो ऐसे ही पैदा हुआ होगा और ऐसे ही है. सर ये जो आपका लुक्स जो अभी आपने बात करी कि लुक्स, ये आपने कहाँ से अडॉप्ट किया या फिर आपने कहीं से एक बार अपने? इट वाज सजेस्टेड, एक वाटर पार्क का शूट था गुड़गांव में, तो एक इटालियन कंपनी उस शूट को कर रही थी. तो जब ऑडिशन हुआ तो दे टोल्ड मी कि सर आप दाढ़ी वाड़ी बढ़ा सकते हो, बिकॉज अभी हमें ना थोड़ा वो फॉरेनर वाली लुक चाहिए और आप अपने बालों को कलर करना छोड़ो. तो 17-18 दिन थे उसमें, तो कलर तो आया नहीं बालों में. तो मैं स्पेशली फिर एक उस पे सैलून पे गया और मैंने सारे बाल वाइट करवाए. ओके. उसके बाद तो खैर वाइट ही आ रहे हैं. और दाढ़ी मूछ भी जो है वो वाइट. तो वो शूट जो है ना वो सब लोगों को इतना पसंद आया, वो लुक मेरा था वही पानी के अंदर और वो अलग अलग पोजेज एंड वाटर पार्क का. वाटर पार्क का जैसा. So, उसके बाद फिर everybody said के नहीं आप दाढ़ी मत काटो, ऐसे बहुत अच्छे लगते हो. मैंने उसको बोला कि भाई मुझे ऐसे टैटू करवाना है, तो he said के सर यहाँ तो अपॉइंटमेंट से होता है तो आपको 2 घंटे वेट करनी पड़ेगी. अब क्या था बलवंत, तब मैं ठीक से चल नहीं पाता था अभी, यू नो बहुत मुश्किल था मेरे लिए चलना. तो मेरे को लगा 2 घंटे में कहाँ जाऊँगा, बट देन आई टुक इट एज अ टेस्ट कि कोई बात नहीं, लेट मी चैलेंज माई सेल्फ. तो मैं 2 घंटे मॉल में घूमा रेलिंग पकड़ पकड़ के गिरने पड़ने के डर से, और फिर 2 घंटे बाद आके ये टैटू करवा लिया. लिव लाइफ टू इट्स फुलेस्ट. दिस वाज द फर्स्ट वन एवर. सर एक पियानो पे शॉट. पियानो बजाया आपने कभी? अब ये बजने वाला है भी नहीं. अभी बजा लेंगे सर. अभी बजा लेंगे. ये पियानो एक बार फेड हुआ है. आपको शौक किस चीज़ का है सर? मतलब किस चीज़ का शौक है? मतलब पूछने में ये था कि मतलब आपको अपार्ट फ्रॉम मॉडलिंग आपको किस किस और चीज़ों का शौक? गौरव सर छोड़ो रहने दो. फिर भी थोड़ा बहुत. नहीं नहीं, अरे ऐसे ही मस्ती में. मुझे शौक है रीडिंग का. ओके. और ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, मूवीज देखने का बहुत शौक है, एंड स्ट्रेंजली इनफ मुझे शॉपिंग का बहुत शौक है. विंडो शॉपिंग और नॉर्मल शॉपिंग क्योंकि मुझे बहुत कम टाइम मिलता है और डिजाइनर्स जो इतना स्टफ भेज देते हैं कि कई बार मेरे पास मतलब जगह नहीं होती, बट मन बहुत होता है. और ऊपर वाले की क्या दया रही है, मतलब बिटवीन यू एंड मी आई एम टेलिंग यू, मैं जिस दिन जाके शॉपिंग करता हूँ उसी दिन एक नई असाइनमेंट आ जाती है. ये फैक्ट है. बिल्कुल बिल्कुल. इसलिए मैं जाके शॉपिंग रोज करता हूँ.
ताकि मेरे पास रोज काम आए। सर रीडिंग के बारे में आपने अभी बात करी, रीडिंग की बुक्स कोई प्रेफर है या फिर कोई सी भी? स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी सीरियस नोट, यस। तो ओनली स्पिरिचुअलिटी। तो आप मतलब कभी इन चीजों को फेस किया है, मतलब जो आप? बिल्कुल किया। आप मेडिटेट करते हो? मैं मेडिटेट तो नहीं करता, जब मैं अपने लो फेज में से निकला था बाहर तो किसी ने सजेस्ट किया कि किताबें पढ़ो स्पिरिचुअलिटी की, यू नो। तो मैंने पहली किताब पढ़ी थी ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी बाय स्वामी योगानंद जी, तो उस किताब ने मुझे बहुत प्रभावित किया। उसके बाद मैंने बहुत सी किताबें पढ़ी, फिर मैंने कोर्सेज किए हिप्नोथेरेपी में और पास्ट लाइफ रिग्रेशन में, और मैंने सर्टिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ मैं फ्रॉम कैलिफोर्निया स्कूल ऑफ हिप्नोसिस, और लोगों को उनके पिछले जन्मों में ले जाके जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं उनके रूट कॉज को ढूंढने में मैं मदद करता था बिफोर बिकमिंग अ मॉडल एंड एक्टर। So this is a side of my personality which nobody knows. Oh, which reveals on my podcast. Yeah, Vivek Oberoi. Sir ने मुझे नाम दिया है Vivek Oberoi का। देखिए देखिए घुमाइए कैमरा अपनी तरफ। देखो है ना Vivek Oberoi। मैं ऐसे कह रहा हूँ कि जैसे अभी मैंने आपको एक चीज नोटिस करी, आप अभी मतलब आप किसी भी शूट पे होते हो आप उसको थोड़ा सा और फंकी और वे में बना देते। जैसे अभी आपको आटा दिया तो आपने आटे से कुछ ऐसा बना दिया, मुझे मतलब था नहीं, ठीक है, बैठ के आपने उस शूट पर बना दिया, तो ये जस्ट एक्सपीरियंस आता है फिर, मतलब फन नहीं हो तो फिर क्या मजा है जिंदगी में, तो कुछ हटके करो। हमेशा डायरेक्टर पे या फोटोग्राफर पे डिपेंड नहीं करते, उनके ब्रीफ को सुनो बट थोड़े अपने टचेस भी दो बीच में, ये एक्सपीरियंस आता है सर। एक्सपीरियंस ओके। देखना भाई गाड़ी नहीं संजू बाबा जाग जाएगा। जी आपने भी बोला कि एक्सपीरियंस से सबसे जाती है, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपको बहुत ज़्यादा, आपने बोला यार यहाँ से मुझे बहुत अच्छा चीज़ सीखने को मिली है, कि मतलब मैंने आज जो एक्सपीरियंस किया वो मैंने शायद ही मेरी लाइफ में कभी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा, कभी ऐसा कुछ मोमेंट रहा है आपकी लाइफ में? लाइफ में तो आई एम नॉट श्योर, तो शॉर्ट्स में तो एवरी डे देयर इज अ न्यू एक्सपीरियंस यार। कुछ ऐसा जो आपने ऐसा बोला है कि मैं इसको लाइफ टाइम कैरी करूंगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं जो साउथ मूवी की बात कर रहा था ना, तो उसमें एक शॉट था कि जो वो टाइटैनिक वाला पोज नहीं है, वो मुझे बिल्कुल बोट के यार खड़े होके अकेले करना था। ओके खत्म। एंड फॉर दैट यू नो मैंने सिर्फ ड्राइवर को जो है ना, बोट ड्राइवर को वो हाइड कर दिया उसमें, और पूरा वो बड़ा जो शिप होता है वो खाली करवा दिया। ओके। और उसको ड्रोन से उन्होंने शूट किया और मैं वहाँ पे खड़े ऐसे कर रहा हूँ अकेले। तो हाँ अकेले। उस टाइम ना बलवंत मुझे ये लगा कि भाई तूने लाइफ में ऐसा क्या किया है, ना तो मैं एक्सेप्शनली टैलेंटेड हूँ, मेरे से गुड लुकिंग लोग भी बहुत बैठे हैं, कि मैं इस पोजिशन पर यहाँ पहुँच गया और ये सब कुछ आज मैं कर रहा हूँ। तो उस चीज़ पर मुझे हैरानी बहुत हुई ऊपर वाले। जो है वो मेरा थोड़ा ऐसा रहा लाइफ में, मतलब एक पॉइंट पे आके मुझे लगा कि अब लाइफ में बचा क्या है, यू नो। क्या हुआ क्या था बेसिकली आपको? सॉरी टू इंटरप्ट इन बिटवीन, इस टाइम पे दिनेश मोहन जी थोड़े से शांत हो गए थे, आपने देखा है, और मैं टोटली ब्लैंक्ड हो गया था, मेरे क्वेश्चन सब वैनिश्ड हो गए थे, नॉट बिकॉज कि वो मुझे आंसर नहीं दे पा रहे थे, इसलिए कि ये आदमी इस टाइम पे कितनी चीज़ें कैरी कर रहा है और दुनिया को एक ऐसी स्माइल दिखा रहा है जो आपको ऐसा लगेगा, अगर आप इनसे मिलोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि बस यही है जो खुश है, यही है जो मतलब बोलते ना हैप्पी है, आप इनको मिलके आपको सही में ऐसा लगेगा। और जब मैंने इनसे बात करी, आप आगे भी थोड़ा सुनोगे जहाँ पर ये कुछ अपनी रिलेशन के लिए बोलेंगे, तो मैं आपको बस ये कहना चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा फंबल हुआ हूँ तो उस चीज़ के लिए मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं बस ब्लैंक्ड हो गया था जब मेरे दिमाग में बस ये चीज़ चल रही थी कि ये आदमी इस टाइम पे कितनी चीज़ें कैरी करके अपनी मॉडलिंग करियर, अपने एक्टिंग को भी, अपने आप को सर्वाइव करा, या फिर ऐसा बोल रहे हो कि भाई अपने पैशन को इस उम्र में भी फॉलो कर रहा है। तो सॉरी आपको बीच में इंटरप्ट करने के लिए, आ जाओ वापस पॉडकास्ट पर, अगर आप थोड़ा समझा सके, क्योंकि आप मेरी जनता अलग है थोड़ी सी। मैंने एक दो वीडियोस में बोला है बलवंत, बट मैं उस बारे में थोड़ा ज्यादा बात नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल, इट्स वेरी टफ टू टॉक, बट मैं मतलब
कुछ मेरे नियर एंड डियर वन जो आपको लगता है कि सारी उम्र साथ रहेंगे और जिनके होने से आपका फ्यूचर सिक्योर है, तो आई बेसिकली लॉस्ट माई फैमिली. डिटेल्स आपको और वीडियोज में मिल जाएंगे, इस बारे में बात नहीं करना चाहता. तो उसने मुझे बहुत डिप्रेशन में पुश कर दिया उस चीज़ से. तो वो बात समझ आई नहीं कि ये ऊपर वाले के क्या हुआ है. खेल और मजे का लाइट अभी और भी है, इतनी बात नहीं. जो भी जला दो. अरे नहीं नहीं नहीं, ये तो कोई ज्यादा ना ना इधर चमक आ जाएगी तो ऐसे. मुझे एक बात बताओ सर, भूत बन के बोले बोले कि आपने अभी जैसे बात करी कि आपने फैमिलीज के ऊपर बोला. जी जी. आपकी मैरिड लाइफ के बारे में आपने कहीं डिस्कशन किया है? नहीं, और करना भी नहीं चाहता. क्यों? अगर टू पर्सनल यस. ओके, तो कभी मतलब मैं टू पर्सनल इसलिए ऐसा समझूं कि आप डिस्कस करके उसको रिवील नहीं करना चाहते, या फिर उनकी लाइफ के लिए आप आगे अपने मतलब सोशल मीडिया पर. वो लोग दुनिया में नहीं है, उनके बारे में बात क्या करना. ओके सॉरी सर. आपका मतलब आपकी मैं हमेशा मेरे पॉडकास्ट में जरूर रखता हूँ कि सबसे ज्यादा अच्छा बॉन्ड किसके साथ था, फादर या मदर है? मतलब मेरा मेरे फादर बहुत क्वाइट टाइप के थे. ओके. बहुत मैच्योर और मतलब एक साल में एक बार बोलने वाले, और मेरे मॉम जो है वो एक साल में एक बार चुप होने वाले. तो दोनों का एक बड़ा अच्छा मिक्सचर था. मैंने कभी कोई लड़ाई झगड़ा अपने घर में देखा नहीं अपने पेरेंट्स में, और कोई पॉलिटिक्स, कोई कास्ट, क्रीड, रिलीजन, इस तरह की कोई चीज़ डिस्कस नहीं होती थी बिल्कुल हमारे घर में. और दोनों मेरे फादर तो सैडली पास्ट अवे बहुत साल पहले. मेरे मॉम जो है अब 91 ईयर्स 92 ईयर्स के हैं और फुल ऑन बिंदास हैं. तो मेरा उनसे बहुत बहुत अच्छा कनेक्शन है मेरा अपनी मॉम से. सर इसमें मैं एक पर्सनल सवाल पूछना होगा. मैं आपका पॉडकास्ट एक रिवील कर रहा था जी, कि आपने ऐसा लिखा था जब मैं अपने डिप्रेशन से बाहर उठ रहा था जी, तो आपने ऐसा बोला था कि आई हैव नो फ्रेंड्स उस बीच में. तो इतनी लंबी जर्नी जीने के बाद आपको नहीं लगता कोई आपको एक अच्छा सा दोस्त मिला, या फिर कभी मिला ही नहीं जिंदगी में, या आपने कभी आगे उसे उसको पुट अप नहीं किया? नहीं, जब मैं अपने मतलब खराब फेस से निकल रहा था और बड़ी तकलीफों से निकल रहा था, तो मेरी मुलाकात जो है मेरे ब्रदर इन लॉ से हुई. जो तब मतलब मेरे ब्रदर इन लॉ नहीं थे, मेरी सिस्टर से मैरिड नहीं थे तब वो, और हम दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड बने और एक स्पिरिचुअलिटी का जर्नी रहा. और मतलब वो जब मेरी बातें सुनता था तो वो यही कहता था कि आप चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूँ. तो बाद में फिर ऐसा हुआ कि मतलब एक ये भी एक अजीब सी डिस्कवरी रही कि वो मेरी सिस्टर और वो इकट्ठे कोई कोर्स कर रहे थे, और बिना जाने हुए कि वो मेरी सिस्टर है, और मतलब और ना ही मेरी सिस्टर को पता था कि ये इंसान मेरे बड़े भाई का दोस्त है. They fell in love. And I helped them get married. अरे, nice. Like a film. तो वो bond और भी ज़्यादा जो है. तो my brother-in-law, basically, is my soulmate. Yes. हाँ, इस youth को, ये क्या हो गया? इस भूत को. आवाज़ ज़्यादा होगी ऊपर. इस modeling youth को जो upcoming आ रही है, जो upcoming होगी, उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? देखो, सबसे बड़ा मैसेज तो मैं देना चाहूँगा कि चार रील्स डाल के या दो फोटोज शेयर करके और किसी के कहने से कि भाई मॉडल बन जा, आप मॉडल बन नहीं सकते हो. ये बड़ी हार्श और कंपेटिटिव इंडस्ट्री है. हाइट होनी चाहिए, स्टाइल कोशेंट होना चाहिए, लुक्स होनी चाहिए, और सबसे ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए. तो ये सब है तो ट्राई करो. मॉडलिंग इंडस्ट्री में आपको लगता है कि कलर मैटर करता है? नहीं नहीं नहीं, नॉट एट ऑल. Not at all. बिल्कुल मैटर नहीं करता. टैलेंट और कॉन्फिडेंस मैटर करता है. टैलेंट और कॉन्फिडेंस मैटर करता है. सर आप में तो भरपूर है. सर मुझे एक बात बताइए, आपने जब इन चीज़ों में आप जब बढ़ रहे थे आगे, आपने सारी अपनी जॉब छोड़ी होगी, सब चीज़ आपने छोड़ा होगा जी, कुछ डर था मन में कि भाई मैं इसमें एग्जीक्यूट हो पाऊंगा, या फिर मैं मेरे प्लान के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट हो पाऊंगा? मेरे को ऐसा सोचने का ना बलवंत टाइम ही नहीं मिला बिल्कुल. मैं मतलब आना ही नहीं चाहता था इस लाइन में, और मुझे ज़बरदस्ती मेरे घर वाले,
मेरा ब्रदर इन लॉ और जो जिन्होंने ऑडिशन पे जिस एजेंसी ने बुलाया वो ज़बरदस्ती करवा के, और इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता मुझे फिर कॉल आने लग गए कि चलो, तो मुझे लगा कि बहुत अच्छा टाइम पास हो रहा है मेरा, तो मैं ऐसे जाने लग गया। मेरे को कभी इस लाइन में डर नहीं लगा या ये सोचा भी नहीं कि मैं सक्सेसफुल होऊंगा या नहीं। ओके, तो आपको आपके बस वो एक शो के बाद आपको रेगुलरली आपको काम मिलता गया ऐसा? रेगुलरली काम मिल, आज तक तो रुका नहीं हूँ, 6 साल हो गए हैं। मतलब आपके ऊपर भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा है। बिल्कुल बिल्कुल, गॉड ब्लेस आपकी, मतलब बहुत अच्छी चीज़ है जी। इस पॉडकास्ट को यहीं एंड करते हैं, और आपका जो लुक है जी, जो आप जिस शूट में यहाँ पे आए हो आप बहुत अच्छे लग रहे हो जी। मैं वही गौरव गुप्ता के अर्धनारी उसके लिए लेबल के लिए हूँ यहाँ पे, और बहुत बढ़िया जा रहा है शूट, बहुत मजा आ रहा है मुझे। ये उन्हीं के कपड़े पहने हुए, थैंक यू सो मच सर, यू वेलकम बलवंत।